हाँ तो मसला ये है कि आपने घर पे आया, ₹200 का एक किलो कीमा लेके आया, लो जल्दी से कीमा बनाओ, घर पे काली मिर्च नहीं है तो बराबर वाले के खेत में घुस गया तोड़ने के लिए। जी जी कीमा अपने घर में पक रहा, मिर्च पड़ोसी की तोड़ लो, धल्ला के कह रहा लो मिर्च तोड़ के मैंने आया, तूने अपना पूरा कीमा हराम कर लिया, इसलिए कि तू इसे तो खरीद के लाया था मगर ₹5 की मिर्च भी खरीद के लाया होता बगैर इजाजत के तूने वो मिर्च तोड़ कर कीमे में डाली, तेरा कीमा हराम हो गया, पूरे घर वाले खाएंगे, सबके लिए वो हराम हो गया। और आजकल क्या कहते हैं मतलब ना, खाने पीने की कोई चोरी ना, हैं गन्ना तोड़ा खा लिया करे करे पूछा पूछने के बाद खाने पीने की तो कोई चोरी ना। अरे असल चोरी तो खाने पीने की है, जब खाएगा तो खाने से खून बनेगा, खून से हड्डी बढ़ेगी, खून से गोश्त बढ़ेगा, यही तो फिर हराम की बॉडी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि मौलाना मस्जिद में दिल नहीं लगता, मौलाना नमाज पढ़ने में मजा नहीं आता, तो जब मैन्युफैक्चर गलत है तो फिर मस्जिद में मजा कहां से आएगा। क्यों भाइयों, मैन्युफैक्चरिंग तो गलत है, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करो, ए लोगो हराम से बचो, हलाल खाओ तुम्हें मस्जिद में भी मजा आएगा, जो दुआ करोगे अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल कर लेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह दुआ भी कबूल कर लेगा, तुम्हें मस्जिद में भी मजा आएगा। लेकिन कब आएगा, जब आएगा कि जब आप हलाल रोजी खाओगे, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता लोगों, वो औलाद जो हलाल रोजी खाई हुई होगी कभी माँ बाप की जो है गद्दार हो ही नहीं सकती, माँ बाप की बागी हो ही नहीं सकती, वही औलाद बागी होती है जिनके बापों ने सूद ले लेके खिलाया हो, हराम कमा कमा के खिलाया, अल्लाह अल्लाह, खिलाओ हराम कमा कमा के, ये बाद में तुम्हारे ठोकरे मारेंगे। भाइयों समझ रहे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को हलाल कमाना सिखाओ, अपने बच्चों को हलाल खाना सिखाओ, लोगों अपने बच्चों को ये तरबियत दो, बच्चों अगर फाते से रहना पड़े तो रहना, मेरे लाल मगर हराम का लुकमा ना खाना। जी 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 बेश बेश, अगर माँ अपने बच्चे को समझाएगी ना तो खुदा की कसम खा के कहते हैं बच्चा माँ की बात जरूर असर करता बचपन में, बड़े बड़े करे ना करे मगर बचपन में जरूर करता। कुर्बान जाओ यार, मुझे याद आ गया कि माँ है, उसके शोहर का तो इंतकाल हो गया मगर एक छोटा सा बच्चा छोड़ के मरा शोहर, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तकरीबन 12 साल की उम्र में पहुंचा ना, तो माँ पता क्या तरबियत दे रही है, मेरे लाल अब तुम कमाने के लायक हो गए, छोटी छोटी मजदूरियां करना शुरू करो, मेरे लाल मैं अमीरों के घर के बर्तन साफ करके अपने घर का चूल्हा जलाती हूँ, मेरे लाल मैं कब तक बर्तन सफा करूंगी, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ चुका, अब तुम 12 साल के हो चुके, मेरे लाल तुम मेहनत मजदूरी करो, और मेहनत मजदूरी करने के बाद मेरे लाल तुम कुछ कमा के लाओ ताकि घर का खर्चा चले, अल्लाह अल्लाह मगर हराम का लुकमा नहीं कमा के लाना, हराम का लुकमा नहीं लाना, हराम का एक सिक्का नहीं लाना, इसलिए बेटा मैं फाके से रहना पसंद करूंगी मगर हराम का खाना हरगिज हरगिज नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, यार बाप नहीं है मगर आज यतीम बेटे को मां कैसे समझा रही है, बच्चे ने जमाते खोली थी तो माँ को अमीरों के बर्तन साफ करते देखा था, माँ को दूसरे के घर में पहुंचे लगा था देखा था मगर हलाल की रोजी खिलाते देखा था, सुभान उसने ये देखा था कि हराम की नहीं हलाल की मेरी मां कमा के हलाल है। जब बच्चा होशियार हो गया 12 साल की उम्र बच्चे की हो गई, बच्चा गया बाजार में मजदूरी के लिए, और जब शाम को घर आता ना मजदूरी करके तो माँ के हाथ में देता, और माँ ने पता क्या ड्यूटी लगाई, माँ ने कहा था मेरे लाल हमारे घर का खर्चा 3 दिनार में चलेगा, कितने में चलेगा 3 दिनार, जोर से बोला यार इधर हो तुम, हमें तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा बदन यहाँ है रूह कहीं निकल के चली गई है, भाई बोलो ना यार 3 दिनार में चलेगा मेरे लाल, काम अगर ज्यादा कमा लूं बोला ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस 3 ही कमा के लाया कर।
कहा माँ कभी तो पांच भी कमा सकता हूँ, कहा मेरे बेटे क्या करेंगे, तीन कमा लिया कर रोज का चल जाएगा, ऐसा किया कर अगर टाइम बचाया करे ना मेरे लाल तो ओवर टाइम मजदूरी मत की, अगर माँ फिर खाली क्या करो, अल्लाह की इबादत की, मौला अली का जवाब सुनो, ए सुन्नी मुसलमानो, मौला अली का फरमाया है सवाल करने वाले से, जिस जो जो मौला अली को कल सांसें देगा वो मौला कल अली को रोजी भी देगा। सुभान अल्लाह जो मौला कल अली को सांसें देगा वो रोजी भी तो देगा। जी 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 पर हमारा दिल कितना बेईमान हो गया कि हराम की आएगा हलाल क्या, मगर रुको बुढ़ापे में क्या होगा, बाद में क्या होगा, जी जी अरे बाद में पता चले जिंदगी भी रह के क्या पता खत्म हो जाए जिंदगी, क्या भरोसा इस जिंदगानी का आदमी बबूला है पानी का, बताइए जिंदगी में रहे क्या रहे, हराम से बचो हलाल कमाओ हलाल, बेटे तीन दिनार की जरूरत है मुझे बस, उसके बाद में जो वक्त बचा करे मौला की इबादत कर लिया कर मेरे लाल, अपने रब को राजी कर लिया कर मेरे लाल, अब रोजाना इस मान का लाल, बाजारों में मजदूरी करने जाने लगा, ए लोगों का काम करने के लिए जाने लगा, तवज्जो करना ये मां अपने ज़हन में शीर करना।